नमस्ते, कहानी मेट्रो में मैं एजे रिविशा आपका स्वागत करती हूँ। एक आदमी मर गया जिसके 3 बेटे थे और उसके पास 17 ऊंट थे। वो अपनी वसीयत में ये लिखवा कर गया कि उसके आधे ऊंट उसके सबसे बड़े बेटे को, 1/3 ऊंट उसके दूसरे बेटे को और 9वां हिस्सा उसके तीसरे बेटे को दे दिया जाए। अब बेटों के लिए बड़ी मुसीबत हो गई, क्योंकि सबसे बड़े बेटे को यदि आधा हिस्सा दिया जाए तो उसके हिस्से में 8.5 ऊंट आएंगे, मतलब 1 ऊंट को काटना पड़ेगा। और मसला तो तब भी हल नहीं होता, क्योंकि दूसरे बेटे को 1/3 हिस्सा और तीसरे को 9वां हिस्सा देना था, तो क्या एक के बाद एक कितने ऊंट काटने पड़ेंगे। मसले को सुलझाने के लिए वो शहर के बहुत बड़े गणितज्ञ के पास गए। उसने भी बहुत सीख मारा और फिर बोला कि बिना ऊंट के काटे बंटवारे का कोई उपाय नहीं है, लेकिन बेटे ऊंट को काट कर बंटवारा करने के लिए तैयार ही नहीं थे। किसी ने सलाह दी कि वो शहर के शेख के पास जाए, जो एक ज्ञानी व्यक्ति था। वो शेख के पास गए और अपनी समस्या सुनाई। शेख बूढ़ा था, वो हंसा और फिर बोला, चिंता मत करो, ये बड़ी आसान सी बात है। उसने उनके 17 ऊंटों में अपना 1 ऊंट मिला दिया, अब 18 ऊंट हो गए। उसने 9 ऊंट सबसे बड़े बेटे को, 6 ऊंट दूसरे बेटे को और 2 ऊंट तीसरे बेटे को दे दिए। तीनों लड़के संतुष्ट थे। अब 1 ऊंट बचा था जो उसका अपना था। उसने अपना ऊंट वापस ले लिया और बोला, अब तुम आराम से जा सकते हो। जीवन को तुम हिसाब किताब से नहीं सुलझा सकते। जीवन गणित से बहुत बड़ा है। जीवन किसी बंधे हुए नियमों से नहीं चलता। यहाँ बंधे बंधाए रास्ते नहीं होते, इन्हें तुम्हें स्वयं चलकर बनाना पड़ता है, और इसके लिए तुम्हें लीक से हटकर सोचने की तैयारी चाहिए।